जी मलेरकोटला की तरफ से आए हैं, क्योंकि मलेरकोटला एक ऐसा शहर है जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को वक्त के बादशाह ने सूबेदार सरहंद ने उनके साथ कुछ जुर्म करने की कोशिश की साहबजादों के साथ मलेरकोटला के महार शेर में मरखा ने नारा दिया था। उसी सिलसिले को लेकर हम भी मलेरकोटला वाले जहाँ पे भी हमारी जरूरत पड़ती है वहाँ पे हा का नारा मारने के लिए हर टाइम तैयार खड़े रहते हैं। दुष्प्रचार किया जा रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया पे, जो अक्सर देखा जा रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का एक बहुत बड़ा नमूना इस किसान आंदोलन ने पेश किया है जी। तो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमानों ने सिखों के गुरुओं को मारा तो आप लोग सिख क्यों खड़े हो उनके साथ, तो आप क्या कहना चाहोगे? बात यह है जी, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम पदस्सी यहाँ के मुसलमान हैं। वो जो थे ना मुगल बादशाह थे वो बाहर से आए थे, हम पदस्सी यहाँ के मुसलमान हैं, हम सिख भाइयों के साथ में पहले भी खड़े थे अब भी खड़े हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे शाबाश, आप एज हिंदुस्तानी यहाँ पे खड़े हैं जी, और आप ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं जो भी ये लोग हैं जी, आप इनकी बातों का खंडन करते हैं? खंडन करते हैं जी, हम इनकी बातों आप यहाँ एक बेमिसाल एक मिसाल पेश करने आए हैं हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की जी जी जी। तो आपकी तरफ से सब भाइयों की तरफ से क्या मैसेज है मोदी जी को, जिनके कुछ लोग या कुछ मीडिया इस तरीके का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? ये जो गोदी मीडिया है उन्होंने तो प्रचार करना ही है। देखो सभी जो ये लीडर लोग थे आपस में लोगों को लड़ाते थे, कहीं पे हिंदू मुसलमानों का, कहीं पे सिखों का, कहीं पे हरियाणा और पंजाब का मुद्दा खड़ा कर लेते थे। यार हरियाणा में जाटों का और कास्ट का मुद्दा खड़ा कर लेते थे, अब सभी लोग एक मुठ हुए हुए हैं, यही एक मुठ होने की ताकत है, यही उनके उनके ऊपर भारी पड़ेगी। किसान आंदोलन शुरू हुआ है जी, चारों तरफ से दिल्ली में आके पूरा हिंदुस्तान बैठा है यहाँ जी जी, तो क्या ये पहली दफा ऐसा लग रहा है हुआ है कि ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा नजर आई, इससे पहले भी था क्या? ना पहली बार हो रहा है ये, आपके हिसाब से पहली बार ये भाईचारा निकल के आया? हाँ जी पहली बार निकल के आया, सभी धर्म के लोग इकट्ठे होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु देग तेग तेग दे नाल भोग ला के फतेह दी अरदास करदे आ। जब तक निम्रता जब तक ये मसला है देग ते तेग ते फतेह दा उन्ने चिर तक असी अजे शांत है, उहदे तो दूसरा रूप थले वेख रहे हो शहीदी जथा। जदों फिर इस इना ही सूरमियां दे कठ दे विचों कोई शहीदी जथा पैदा होगा, जेड़ा ये काम करवाना चाहते असी करना नहीं चाहते, पर ये जरूर इसे ही शांतमई माहौल चो शहीद जथा तैयार होवेगा। वो कहेगा जो अड़ेगा सो चढ़ेगा, जिन्हें चर निम्रता सी वेख ली, जिन्हिया मीटिंगा वेख लिया, बार बार मीटिंग नहीं करांगे हुण, इहदा हल कढांगे, चाहे ये कढ लैण चाहे असीं कढ लांगे, होर कोई हुक्म मोदी बारी मैं यही ताड़ना करदा, मोदी बच।
अपने उस टाइम नू चेते कर जदो तू नसारी दे विच टुटे जे स्कूटर ते तुरिया फिरदा हुंदा सी, उस चीज नू चेते कर। अज तू कहना मैं वे आया नहीं, तेरे किन्ने ना ते बच्चे विखा दिया, किन्निया तेरे ना ते इस्त्रियां विखा दिया जिन्हां ने केस कीते तेरे ते। ते एक बीबी ओह भी जिन्हों तू अहुदा दिता, तेनू पता ही है खुद नू किन्नू दिता, जिन्हों तू कैबिनेट दे विच अहुदा दिता ओह बीबी केड़ी है तू आप खुद दसदी, मैं नहीं दसदा। इस करके मैं बेनती करदा जे तेनू 100 तरह का वाल आउंदा है ना, ते सानू 1000 तरह दे वाल आउंदे आ, ते वाल तेरा ही कट जरूर देंगे। जे ना तू ढिला रहे हो ते ना तू साड़ी गल मनी ते दूसरी गल अमित शाह जी, पहली गल ते बंदा तुसी ओ लाया खेती बाड़ी दे कानूना ते, जेड़े बंदे नू खेती बाड़ी दे बारे ही नहीं पता, ओनू ए नहीं पता भी खेती बाड़ी होती की। कोई भी पत्रकार वीर मेरा नू सवाल करके पूछ लवे केड़ी खेती केड़े समय बीजी जांदी जे दस दो ते तां के, क्योंकि ओनू खुद नू नहीं पता। ओनू मेरा ख्याल इतो तक एहसास भी नहीं होगा कि मैं खेती बाड़ी मंत्री हाँ। इस करके गुरु के प्यारे हो तुहाडे नाल वचन करके बहुत खुशी हुई, गुरु कृपा करे साडी कौम नू जेता बख्शे। आओ जकारा जरूर छड्यो, बोले सो निहाल, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार, बोले सो निहाल। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਤਿਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।